नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पंकज यादव। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं एक खूबसूरत देश, यानी अपना भारत से बाहर लेके चलता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपाल। और नेपाल हम लोग निकल चुके हैं नेपाल का यात्रा में। और देखिए हम लोग कहाँ पे, एक छोटा सा टेंट। और इस टेंट से जब हम लोग निकलते हैं तो जानते हैं कैसा लगता है, जैसे चूहा जैसे निकलता है बिल से और घुस जाता है, वैसे ही एक छोटा सा सीन लोड किए हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। जैसे अंदर जा रहा है मुस्ताद, थोड़ा इधर देखना, बाहर निकलना। देखिए हम लोग चूहा जैसे हम लोग घुस जाते हैं बिल में, बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया हम लोग का चूहा वाला बिल, और आराम से घुस जाना है और जरूरत पड़ेगा तो बाहर आ जाना है। बैग सारा चीज हम लोग रख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मजाक कर रहे थे, थोड़ा सा हंसते भी रहना चाहिए जिंदगी। देखिए मैं और मुश्ताक इस टेंट के अंदर है। आपको अभी चूहा तो दिखा दिए, अब देखिए मैं और मुश्ताक जो कि चूहा बना हुआ था, तो अभी टेंट में है। और वो इतना शैतान है, उसका एक शैतानियत का झलक देखिए आप, कैसे सोता है रात में आपको दिखाते हैं, झलक देखिए। देखिए मुश्ताक कैसे सोया है शैतान जैसा। मुश्ताक, ए मुश्ताक, अरे उठो ना, सुबह हो गया, चलो अब आगे चलेंगे हम लोग। देखिए मुश्ताक का शैतानियत से कैसे सोता है। तो अब इसी तरह हंसते और हंसाते हम लोग आपको नेपाल ले चलेंगे। और जीवन में क्या है, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और देखिए कि हम लोग कैसे अपना घर से माता पिता का आशीर्वाद लेके यहाँ तक पर पहुँचे हैं। ये एक छोटा सा जर्नी अभी आपको दिखाते हैं, फिर आगे का और आपको दिखाते रहेंगे। भयंकर ठंडी के साथ ये दो दोस्त राइडिंग में निकल पड़े हैं भारत से नेपाल की ओर। कदम बढ़ते जा रहा है, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आपको ले चलेगा ये दो दोस्त नेपाल का नया संस्कृति, नया सभ्यता का परिचय देने के लिए। तो बने रहिए, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, फिर भी ना रुकेंगे ये दो दोस्त, बस चलते रहेंगे, हंसते हंसाते चलते रहेंगे। सिमुरताला से निकल गए हैं और ये जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिमुरताला से झाझा की ओर बढ़ रहे हैं और ये है जंगल का राज। जो देखिए जंगल क्या है, देखिए ये तो सिमुरताला से झाझा की ओर जाने वाला ये जंगल है। अगर डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपका मन सच्चा है तो डर भी किस बात का है। तो चलते रहिए सफर में और आपको ले चलते हैं पटना की ओर। चलिए तो हम लोग चलते हैं पटना। Thank you.
अभी हम शेखपुरा पहुंच चुके हैं और मेरा बाइक में थोड़ा सा आवाज आ रहा था चिट चिट करके, इसलिए हम दिए हुए बाइक को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, चैन क्लीन करने के लिए। और चैन क्लीन करने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं पटना की ओर और आपको दिखाते हैं कैसे पहुँचते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जोहार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फाइनली मैं मुश्ताक का रूम पहुंच चुका हूं पटना। अब मुश्ताक कहीं गया है, बस कुछ ही देर में यहां पे आ जाएगा और मैं और मुश्ताक दोनों साथ में निकल चलेंगे एक नया संस्कृति और सभ्यता का खोज में नेपाल की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और हम लोग अब चलते हैं नेपाल और दिखाते हैं। और साथ में नेपाल जाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, कैंपिंग करेंगे, अपने से खाना बनाएंगे और खाएंगे और मजे करेंगे, आपको भी मजे देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं अब हम लोग नेपाल। ये जो अभी आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये हम लोग गया पुल पार कर रहे थे, तकरीबन शाम हो चुका था, 7 के आसपास में हो चुका था, समय हो चुका था। तो हम लोग गया पुल पार कर रहे थे, तो एक गया पुल जो एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल है, तो एक नज़र डालिए गया पुल का। सफ़र को हम लोग नहीं रोके, अब आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर हाईवे का एक छोटा सा नज़र देखिए, एक छोटा सा झलक देखिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटा सा झलक देखिए मुजफ्फरपुर सड़क का। हम लोग सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किन्हीं दोस्तों या मेरे माता पिता भाइयों को, किन्हीं को अगर कोई नेपाल में कुछ ऐसा चीज़ देखना हो जो कि आपका दिल्ली ख्वाहिश हो कि नहीं वहाँ पे हमको देखना है क्या है, तो कोशिश कीजिए आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं जो आप बोले उस कंटेंट को मैं, या जो भी चीज़ आप बताएं मैं उसको दिखाने का कोशिश करूँगा नेपाल सिर्ज में। तो जिनको अगर कुछ नेपाल में देखना है तो वो डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको ऐड कर दूँ, वो चीज़ को मैं नेपाल में जाके दिखा सकूँ, एक्सपोज कर पाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ और मैं चाहूँगा कि मुझे आप हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और जो भी आपको देखना है उसको कमेंट्स में हमको बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको ऐड करने के लिए और दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।